Hello, good evening everyone. Good evening and welcome all of you to the platform of Master Learner on YouTube channel. I hope all of you are doing great as the examination period is very near. Hmm? So how how is your preparation going on? कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस और इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट टू में ऑलरेडी पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ आसान सवाल होते हैं स्ट्रक्चर्स के जिसको आप प्रिलिम्स में कर सकते हैं कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इतने आसान नहीं होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है उनको बनाने में दोज क्वेश्चन यू नीड टू अवॉइड एट दैट टाइम ठीक है so let us start with the structural uh, part two or uh, structures related jobi if you just go through this session now part one part two and tomorrow also i'll take one part third that will be more than enough for you right so let us start with the question now here is the first question for you that what will be the end moment of 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 a a a fixed beam with a uniformly distributed load of w per meter square and a length of l end moment फिक्स बीम वि आपको तीन formula minimum I will request you to remember अगर कम से कम तीन फार्मूला याद रखेंगे तो क्या है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है टाइम भी बचेगा आपका अगर अगर आ गया तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं What kind of three formula you need काइंड ऑफ थ्री beam में पहला आपको याद रखना है कि जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो थ्रू आउट द बीम देन द दे एंड दिस इज बी सो योर एम एफ ए बी एंड एम एफ बी ए ये दोनों में यही लिख देता हूं ठीक है ये दोनों आपका यहां पे होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो जो क्लॉकवाइज उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज उसको नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इसीलिए लिखते हैं ठीक है, है ना जो हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है वो पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है हम उसको नेगेटिव लिख देते हैं दूसरा आपको जो फॉर्मूला याद रखना है इज यहां वाला तो हो गया काम डब्ल्यू स्क्वायर बाई टाला ऑप्शन नंबर डी दूसरा आप याद रखिए एटलीस्ट इफ द फिक्स्ड बीम इज लोडेड विद द कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर और अगर ये W है ठीक है सपोज दिस इज योर W, स्मॉल W, दिस इज किलो न्यूटन पर मीटर और ये है टोटल लोड विच इज एक्टिंग

the fixed end moment, the W, then the far end जो है ना उसका हम square कर देंगे. That's all. Divided by L square. Similarly यहाँ क्या होगा W far end जो होगा that is A तो A का ka square कर देंगे A B divided by L square. ये तीन formula कम से कम आप याद रखिए. It will be really helpful for you. ठीक है? It will be helpful for you. Now let us move to the another one.

ठीक है अब इसने मांगा है कि अगर इसी को इसी लोड को मैं स्प्रेड आउट कर दू कैसे इसको मैं ओवर द स्पैन बीम में इस पूरा स्प्रेड कर दू ठीक है अब स्प्रेड करने में क्या होगा किलोमीटर पर मीटर में चला जाना चाहिए सो दिस टोटल लोड आई एम स्प्रेडिंग ओवर लेंथ ऑफ एल देन द स्मॉल डब्ल्यू दिस इज टोटल लोड इन किलोमीटर दैट स्मॉल डब्ल्यू आई एम टेकिंग विच इज ऐसे लिख देता हूं कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई लेंथ तभी होगा ना किलोमीटन पर मीटर है कि नहीं

अब W जो है ये हम यहां से बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा दैट सिक्सटी इंटू एट डिवाइडेड बाई एल स्क् मल्टीप्लीस में है होल डिड बाई कितना हो जाएगा फिर ये स्क्वायर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड एंड दिस बारह ये बारह से कितना हो जाएगा बारह पच्चीस साठ पांच आठ पच्चीस चालीस दैट फोर्टी न्यूटन मीटर ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए मैं बोल रहा था आई डोंट नो वेदर यू शुड डू इट और नॉट

मोमेंट शेयर बाई टू द अप्लाइड ज्वाइंट क्या कहलाता है इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द रेशियो ऑफ मोमेंट शेयर बाई ए मेंबर टू द अप्लाइड मोमेंट वॉट वी आर कॉलिंग इट एज एनी वन एनी वन See, अगर मान लेते हैं ये हमारा तीन तरह का सपोर्ट है यहाँ ठीक है और इन तीन तरह के सपोर्ट्स में यहां मान लेते हैं हमने एक कोई मोमेंट लगा दिया विच इज एम तो हम तीनों मेंबर में जो मोमेंट आएगा जो मोमेंट जाएगा तीनों मेंबर में अलग अलग दैट इज ही इज आस्किंग कि जब मोमेंट जाएगा तीनों में तो इन दोनों मोमेंट का जो रेशियो है वो क्या होता है

क्या है कैरी ओवर इज अगर मान लेते हैं किसी ज्वाइंट पे हमने एक मोमेंट लगाया और फार एंडिक्स की वजह से यहाँ पे कितना सेम डायरेक्शन देन द रेशियो ऑफ दीज टू मोमेंट दूवेंट एट वन ज्वाइंट एंड द मोमेंट विच यू आर गेटिंग एट द अनदर पार्ट अनदर पार्ट एट मे बी एट अट ये रेशियो आपका कैरी ओवर होता है ठीक है ये रेशियो आपका कैरी ओवर मोमेंट होता है, ओके? Okay? देखो, ये वाला फिर वही क्वेश्चन आ गया फिक्स बी में मैंने बोला था एक दो तीन तीन फॉर्मूला मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए है ना तीन फॉर्मूले में वॉट नीड टू रिमेंबर ये वाला क्या बोल रहा है कि फिक्स एंड बीम है और आपने लोड कहाँ लगा रखा है लोड कुछ एक डिस्टेंस पे ये पांच मीटर के स्पैन है, है एक uh, मोमेंट तो क्या होगा इस साइड वाला फिक्स एंड मोमेंट कितना होगा मैंने क्या बोला था लोड इनटू जो बार दूर वाला डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनटू टू डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर एक ये वाला हो जाएगा इधर वाला

सो so, यहां वाला हमारा माइनस में होता है ड्यू टू एंटी क्लॉक वाइज सो माइनसिक्स एंड प्लस ट्वेंटी तो ये फॉर्मूला अगर ऐसा याद है तो काम आ सकता है इसलिए मैंने बोला तीन फॉर्मूला आप याद करके चल सकते हैं सो माइनस थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स मीटर सॉरी माइनस मतलब एंटी क्लॉक वाइज राइट सो थर्टी सिक्स किलोमीटर मीटर एंटी क्लॉक वाइज एंड ट्वेंटी फोर किलोमीटर मीटर क्लॉक वाइज एंसर विल बी डी यस

मान लेते हैं राइट साइड सिंक किया देन द डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस ठीक है और ये डिफ्लेक्टेड शेप में यहां रोटेशन नहीं हुआ सिर्फ सिंकिंग हुआ है दैट डेल्टा अमाउंट सिंक कर गया तो बीम का रोटेशन जिस डायरेक्शन में होगा जैसे अब ये बीम कैसे घूमना चाह रहा है बीम इज एक्चुअली रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज तो जब बीम क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे दोनों एंड्स पे मोमेंट जनरेट होंगे ठीक है और ये दोनों फिक्स्ड है इसीलिए जनरेट हो रहा है ऐसा नहीं कि हिंज होगा उसमें भी जनरेट करा देना है और ये जो मोमेंट का वैल्यू होगा दैट विल बी योर 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर यहां भी होगा 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर इसके साथ-साथ एक और आगे वाला पार्ट याद रख लेना है जो काम आएगा आपको ठीक है यहां तक रुकना नहीं है क्योंकि जब ये आपको दिख रहा है इज इट विजिबल टू यू यहां तक से फायदा नहीं है फायदा है थोड़ा और आगे जाने से कैसे इससे रिएक्शन क्या आएगा वो भी याद रख लेना है रिएक्शन के लिए क्या करेंगे हम याद रखना दो डंडी खींच लो कभी भी उसके बाद खींचने के बाद ये देखना है कि व्हाट इज द नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन दिस बीम ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है ये जो पिंक लाइन से मैंने बनाया है दिस इज ओनली फॉर द डायरेक्शन दिस इज नॉट द मोमेंट एक्टिंग अब नेट मोमेंट कितना एड कर रहा है पूरा का पूरा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 6 और छह डेल्टा नेट मोमेंट अवेलेबल है घूम 12 12 रहा है तो ये लोग मिलके क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा कौन रिएक्शन और वो कितना होगा नेट मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द बीम क्या होगा यहां लिख देता हूं मैं मोमेंट जो जेनरेट होगा

सो हियर फॉर दिस क्वेश्चन ऑलरेडी मोमेंट हमारा पता चल गया दोनों अगर हमारा एंटी क्लॉप है दोनों नेगेटिव होगा दैट सिक्स ए डेल्टा बाईल स्क्वायर दोनों में यही एक ऑप्शन है ठीक है ना ऑप्शन ए नेक्स्ट वन यस नेक्स्ट वन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी पता करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर आपको छोटा छोटा ही आता है सो so, जॉइंट्स पर सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट कर लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट कितना मूवमेंट हो सकता है किसी भी टू में पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द हाउ मच यू क्योंकि फ्री एंड मैक्सिमम तीन मूवमेंट कर सकता है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड रोटेशन अब इसमें आपको काउंट करना है क्या बीम में यहां फिक्स एंड है यहां कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है मतलब ये जॉइंट हमारा ना एक्स में जा सकता है ना वाई में जा सकता है और ना ही रोटेट हो सकता है ये वाला जॉइंट हमारा एक्स में जा सकता है वाई में नहीं जा सकता लेकिन रोटेट हो सकता है सो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सो द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट योर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर दिस बीम विच इज टू दैट टू प्लस जीरो इज टू ठीक है इसमें एक और बात हो सकती है अगर मैं इस बीम को इनएक्सटेंसिबल बोल दूं, इफ बीम इज इफ मेंबर इज इनएक्सटेंसिबल इफ मेंबर इज इनएक्सटेंसिबल अगर ये इनएक्सटेंसिबल हो जाए तब क्या होगा देन इनएक्सटेंसिबल मतलब अब वो एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता उस मेंबर में अगर मेंबर का एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर ये ज्वाइंट एक्स में भी मूव नहीं कर पाएगा देन यू विल ओनली गेट द वन डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है ना

ट्रस्ट शोन बिलो ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको निकालने आते हैं और और साथ में मैं एक प्रॉब्लम जो आपको नहीं बनाना है ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है मतलब मान लीजिए यहाँ से हम कुछ पांच छे प्रॉब्लम ऐसा करेंगे जिसमें कि बनाना क्या है और किसको छोड़ना है ये पहले ही आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कौन सा बनाना चाहिए और कौन सा नहीं बनाना चाहिए में क्या फोर्स होगा? तीन बातें याद रखनी है आपको कम से कम पहला क्या कि एक जॉइंट पर एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स अगर ये फोर्स मान लेते हैं कुछ है एफ ऑफ ए भी हो या कोई भी हो अच्छा फोर्स में भी ट्रस्ट में अप्लाइड लोड भी एक कंसंट्रेटेड लोड की तरह है सिंगल लाइन लोड है ये भी हमारा क्या है सिंगल मेंबर एक्सियल लोड है और साथ में जो रिएक्शंस होते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दैट इज आल्सो एक्सियल वन तो अब ये सारे फोर्सेस को कंसीडर करके टर्म में मैं यूज कर सकता हूं सिर्फ क्या फोर्स तो यहां एक मैंने थ्योरी क्या दिया आपको कि सिंगल जॉइंट पर एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा एक जॉइंट पर किसी भी तरह से अगर सिर्फ एक फोर्स है दैट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट दूसरा आपको क्या याद रखना है किसी भी एक जॉइंट पर दो फोर्स किसी भी एक जॉइंट पर दो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग देम एक क्या पॉसिबिलिटी है एग्जिस्ट करने का एग्जिस्ट करने का पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों के दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जिस्ट करेगा अदरवाइज अदर देन दैट आई कैन से सिंपली दे आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट ठीक है और तीसरा वाला क्या आपको याद रखना है कि अगर मेरा कोई भी दो फोर्स एक लाइन में हो ये जॉइंट है दो फोर्स एक लाइन में और तीसरा एक फोर्स साथ में हो मतलब टोटल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर थ्री एक जॉइंट पर तीन फोर्सेस लग रहे हो और उनमें से ध्यान से सुन रहे हो किसी भी जॉइंट पर तीन फोर्सेस लग रहे हो और उनमें से अगर दो फोर्सेस सिंगल एक लाइन में है तो फिर हमारा तीसरा फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट विल बी आल्सो जीरो मेंबर फोर्स कम से कम ये तीन बातें आप याद रखेंगे देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू अगर देखिए इसमें पूछा है मेंबर बी में क्या फोर्स होगा तो जॉइंट सी को अगर हम देखें सी पर कौन से दो फोर्स है? बाहर निकालते है को और इसका हम बनाते हैं एनालिसिस के समय हर एक ट्रस्ट के मेंबर को हम पहले ही मान लेते हैं कि वो टेंशन में है ठीक है ना तो ज्वाइंट सी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ दिस इज द वन अब ज्वाइंट सी पर कितना फोर्स लग रहा है एक पॉइंट एक ज्वाइंट पर दो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट इज ओनली आई टोल्ड यू है कि नहीं सो so, यहां पर जब ऐसा कंडीशन हो गया ऑफ कोर्स दीज टू आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मेंबर बीसी का जो फोर्स पूछा गया है दिस फोर्स मेंबर इन बी विल बी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो बीसी पूछा ना हाँ दैट्स ऑल अब ये अप्लाई कर करके सब में लगा सकते हैं हम ठीक है सब में लगा सकते हैं

ठीक है मतलब बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स यहां पूछ रहा है से सारे जॉइंट को हम ये मानते हैं कि कनेक्ट किया गया है ठीक है नेक्स्ट टू डिटरमाइन हाँ यह सवाल था यह सवाल गलती से भी इसकी नहीं ये ठीक है सॉरी इसी तरह का एक और सवाल है टू डिटरमाइन द फोर्स इन बी डी ऑफ द ट्रस्ट शोन इन दिगर अब ये मेथड ऑफ सेक्शन से रिलेटेड है अगर method of section को सिर्फ देखा है बोल रहा है कि बी डी मुझे फोर्स चाहिए अब मेथड ऑफ सेक्शन क्या कहता है कि जो भी फोर्स चाहिए सेक्शन पूरे ट्रस्ट को दो हिस्से में डिवाइड कर दो और ऐसे डिवाइड किया जाए कि वो जिस मेंबर uh, का फोर्स चाहिए वो भी कट हो हमारे सेक्शन में ठीक है सो ही कि अब क्या पूछ रहा है बोल रहा है एंड द मोमेंट्स आर टेकन अबाउट अगर मुझे बी डी मेंबर का फोर्स चाहिए तो मैं किसके अबाउट मोमेंट लेना पसंद करूंगा या किसके अबाउट मोमेंट लूंगा तो मुझे बी डी बहुत आसानी से मिल जाएगा अब देखो हमेशा याद रखना जब हम कट कर देंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा ये दो हाफ में अगर हम इसको देख ले ये हो गया हमारा एक्सपोज मेंबर ऑफ फोर्सेस है ना ठीक है ये कटिंग की है हमने ऐसे

मैं ये तीनों लगा सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन इस पर्टिकुलर पार्ट सेक्शन के लिए मैं आराम से लगा सकता हूं एक लोड रह गया यहां पर ये भी था भूल गया ये तीनों हम लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम लेकिन क्या है कि अगर मैं बिना ये सब कुछ किए डायरेक्टली मोमेंट ले लू अगर इस सी के अबाउट तो ये दोनों अननोन यहां से पास होंगे और जब मैं मोमेंट लिखूंगा तो सिर्फ ये रिएक्शन अप्लाइड लोड और एफबीडी बी इन्वॉल्व होगा रिएक्शन हम पहले कैलकुलेट कर चुके रहते हैं तो रिएक्शन और ये सिर्फ दोनों नोन नोन होगा हमारा और ये एक अनोन होगा यानी सिर्फ मोमेंट एट सी लेने पर बहुत आसानी से निकल जाएगा और इस तरह का सवाल वो कई बार पूछ चुका है मैंने इसमें इसलिए थोड़ा सा टाइम दिया समझाने के लिए ये सवाल वो कई बार पूछ चुका है और ऐसा सवाल पूछता है इसको देखना और आपको करना बहुत आसान है ठीक है सो so, सी पर अगर मोमेंट लेंगे ये दोनों यहीं से पार हो गया तो आराम से ये निकल जाएगा सो मोमेंट मस्ट बी टेकन एट ज्वाइंट सी राइट ज्वाइंट सी पर लेंगे नेक्स्ट वन द द फोर्स इन इन ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट मेंबर एज शोन फिगर में देखिए सबसे पहले तो ये एक्चुअली अनस्टेबल है है ठीक और इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए दो का इसका कमी है दो मेंबर इसमें कम से कम कम होगा निकाल के आप एम प्लस आर माइनस टू जैसे देख सकते हैं अब क्या है ये दो मेंबर अगर आप निकाल के लगा भी दे तो ये हो जाएगा पर हमारा काम अभी क्या है इसको स्टेबल अनस्टेबल से बताना नहीं है इसने पूछा है के में फोर्स कितना होगा तो हम अभी इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे है ना कमेंट पढ़ रहा हूं मैं मार्वल बिल्कुल पढ़ रहा हूं ऑप्शन भी देख रहा हूं कमेंट भी पढ़ रहा हूं पर कुछ ऐसा तो आया नहीं कमेंट में यस यू हैव सेड गुड इवनिंग बट बिल्कुल कमेंट पढ़ रहा हूं इफ एनीथिंग इंपॉर्टेंट देन दफकोर्स आई विल टेक इट तो ट्रस्ट शोन इन द फिगर बिलो ई सी का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अब देखो दोनों बातें हैं ये स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के चक्कर में हमें अभी नहीं पढ़ना है ठीक है अगर सवाल आ गया तो पहले सवाल को सॉल्व करने का टेक्निक देखना है अब इसमें ईसी में मेंबर फोर्स पूछा है उसने तो ई में यहां पे अगर देखा जाए तो वो जो मेरा तीसरा वाला रूल था क्या है कि किसी जॉइंट पर जो मैंने आपको लिख के दिया तीन रूल उसमें से एक लग जाएगा ना जॉइंट सी को अगर मैं बाहर निकालू

क्स्ट वन फॉर रिटरमाइनिंग द फोर्स इन ए बी ऑफ द ट्रस्ट शोन इन फिगर बिलो बाई मेथड ऑफ सेक्शन देखो मैंने बोला ना यह कई बार पूछा हुआ इस तरह का मेथड ऑफ सेक्शन इज मेड टू पास थ्रू ए बी एडी एंड ईडी अब सेक्शन इसने खुद बता दिया सेक्शन पास हो रहा है ठीक है और इसको कौन सा मेंबर फोर्स चाहिए एक्सपेक्टिंग द मेंबर फोर्स ए बी और मुझे अगर ए भी चाहिए तो दोनों साइड से देखेंगे ये नहीं सोचना कभी कि एक ही साइड से देखेंगे मैं अगर इस साइड से देखूं चाहे इस साइड से अच्छा इस साइड देखने में क्या दिक्कत है कि मुझे इसका रिएक्शन सब निकालना होगा उधर वाला अगर सेक्शन में देखूं और काट के निकाल लू है ना इसको अगर मैं काट के ऐसे निकाल लेते हैं इसको फिर यहां क्या क्या है एक अप्लाइड लोड यहां है एक टन का

मेंबर फोर्स ए भी निकालना चाहता हूं तो बहुत अच्छा है ना बाकी ऐसा जॉइंट ढूंढो जहां पर खड़े होने से जो बाकी अननोन है ये दोनों क्या है मेरे लिए अननोन ही है ना एफ ए डी और एफ ईडी एक ही जगह से पास कर रहे इससे हो इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आराम से डी पर खड़ा हो जाऊंगा और डी पर खड़े होने की वजह से ये दोनों यहां से पास होगा और आराम से एफ ए भी निकाल पाऊंगा इज इन डेड आराम से निकाल सकते हैं सो एट जॉइंट इफ यू स्टैंड तो इस तरह का एक इस तरह का एक सवाल अगर फंसेगा जस्ट ट्राई टू सीट क्योंकि ये बहुत कम समय लेने वाला है एक दो तरह का देख लिया आपने अगर आ गया आपको देख के लगेगा बड़ा है बट इट इज वेरी इजी टू डू बहुत आसान है, <laughs> है ना सीसीजी में सीसीजी में डिफ्लेक्शन पूछेगा तो बनाना भी नहीं है दैट मिल टेक लॉट ऑफ टाइम क्योंकि आपको पहले उसमें मेम्बर फोर्सेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे फिर स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी फिर स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद उसको लगा देंगे क्या? कम कम से कम इतना तो करेंगे ना यूनिट लोड भी करेंगे तो भी आपको मेंबर मेंबर फोर्सेस फोर्सेस तो तो कैलकुलेट कैलकुलेट करने करने ही पड़ेंगे. Hmm? तो करने ही पड़ेंगे पड़ेंगे ठीक है सो द फोर्सेस इन सी डी ऑफ द ट्रस्ट शोन इन द फिगर सी डी में क्या फोर्स होगा दैट इज वंस अगेन सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम ज्वाइंट सी को ऑब्जर्व करेंगे तीन फोर्सेस है यहां पर तीनों हैं दो फोर्सेस टू फोर्सेस आर इन वन लाइन सो थर्ड जीरो अगर दो फोर्सेस तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसमें से दो अगर एक लाइन में है तो थर्ड विल बी, और so force, 3D विल बी हमने एजेंशन ऐसे ले रखे हैं हमने जो एजेंशन ले रखे हैं कि लोड हमारा पिन पर ही लगेगा है ना और साथ में स्ट्रेट ही होगा इन सब कारणों से हमारा बेंडिंग मोमेंट इन दस्ट आता नहीं है ठीक है इन द ट्रस्ट शोन बिलो द फोर्स इन द मेंबर ए सी इज ये सवाल था मेरा ये सवाल आएगा भी तो बनाना नहीं है इसको ध्यान से देख लो पहचान लो क्यों नहीं बनाना है इसको देख के, इसलिए देख के के इसलिए फिर समझना है क्यों नहीं बनाना है ठीक है हियर मेन प्रॉब्लम इज पहला तो देखो कभी भी एनालाइज करोगे ना लोड सिमेट्रिक नहीं है अगर लोड सिमेट्रिक होता है तो फटक से रिएक्शन आ जाता है एग्री और नॉट पहला वहां पे एक कैलकुलेशन होगा डू रिमेंबर दैट रट्टा मारा हुआ अलग बात है बट वट आई ट्राई आई ट्राइंग टू सी हियर कि ऐसा सवाल देख के सोचोगे कैसे कि बनाना नहीं है नहीं अब ये लोड अगर सिमेट्रिक नहीं है तो हमें क्या करना होगा रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा चलो रिएक्शन तो फिर भी एक बार इसका कैलकुलेट कर लेते हैं रिएक्शन में अगर कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा ए वाला जो रिएक्शन है ये कितना लिख सकता हूं मैं टेन इंटू फार डिस्टेंस के हिसाब से देखो टेन और फार डिस्टेंस कितना है अगर यहां से ऐसे 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 करके सेंटर में ले जाए तो ये दो चार दो छह दो आठ टोटल है तो फार डिस्टेंस सिक्स होगा डिवाइडेड इसमें और रिएक्शन आएगा पांच वाले का उसका कैसे लिखेंगे 5 into, 2 है, ये दोनों को एड करेंगे तो ऑब्वियसली आई विल गेट द रिएक्शन एट आर ए ये आर ए मुझे आ जाएगा ठीक है पर फिर भी देखो ना कैलकुलेशन तो लग रहा है ना

आठ चार पच्ची बीस अब देखो दोनों ऐड करके कितना होगा दैट विल बिकम 8.75 किलोमीटर एक साइड का रिएक्शन आ गया टोटल वर्टिकल लोड 15 था तो 15 में से घटा देंगे तो इसका भी आ जाएगा सो so, 15 एंड जीरो पॉइंट टू फाइव और इधर कितना हो जाएगा सिक्स so, हो गया हमारा सिक्स पॉइंट टू फाइव अब देखो रिएक्शन तो दोनों आ गया रिएक्शन के बाद क्या है ये मांगा क्या है इसने इसने मांगा है फोर्स इन द मेंबर ए अगर मुझे ए में फोर्स चाहिए तो मैं जॉइंट मेथड भी अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि रिएक्शन मेरा आ चुका है साथ 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 ही ही मैं चाहूं तो इसमें सेक्शन मेथड भी लगा सकता हूं ठीक है मेंबर ए में अब एक काम करते हैं पहले मेंबर सी के लिए ज्वाइंट ए को ले ही लेते हैं ठीक है ना ज्वाइंट ए को अगर मैंने ले लिया तो ज्वाइंट ए में नाउ दिस रिएक्शन इज नोन टू मी विच इज 8.75 और ए सी ही पूछा ना इसने एसी नीचे वाला ही है ठीक है और ये रहा हमारा फोर्स एसी और ये वाला है हमारा फोर्स मेंबर ए बी फोर्स मेंबर इन ए बी और दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री का और कुछ तो नहीं है दैट्स ऑल ठीक है अब यहां क्या होगा नाउ यू सी हियर यहां पर मैं इक्विलिब्रियम लगा दूंगा इक्लिबรียม अब सोचो ये तो यहां पर था तो मेरे लिए आसान था क्योंकि इस जॉइंट को मैंने लेने पे दो अननोन है इक्लिबรียม में, में मेरे पास तीन जॉइंट uh, पर मेरे पास हमेशा दो इक्वेशन अवेलेबल है तो मैं ये कर सकता हूं इसको सॉल्व किया जा सकता है ठीक है सो नाउ आई विल अप्लाई द समेशन ऑफ मुझे एफएसी चाहिए ना सो समेशन ऑफ पहले हम एफआई कर लेते हैं इक्वल टू जीरो समेशन ऑफ एफआई 0 करेंगे क्या मिल जाएगा दैट एफ एबी और इसका एक कॉम्पोनेंट होगा एफ ए बी 60 साइन वाला है ना एफ ए बी साइन 60 माइनस सॉरी इक्वल टू माइनस 8.75 दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना ये दोनों इसका कॉम्पोनेंट भी ऐड करेंगे उसको मैंने पहले उधर कर दिया ठीक है ये इसको हटा दो 8.75 तो यहां से एफ ए बी कितना आ जाएगा एफ ए बी विल बिकम एट पॉइंट सेवन फाइव और साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू होगा मल्टीप्लाई होके 2 टू बाई रूट थ्री आ जाएगा यहाँ ठीक है ना जैसे ही एफ ए बी आ गया नाउ आई विल कैलकुलेट निकलेगा ये माइनस में आया ध्यान रखना एफ ए सी कैसे निकलेगा of 0 कर लेंगे ठीक है समेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर लेंगे और एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या लिख देंगे एफ ऑफ ए सी प्लस

और 1.5 टन का रिएक्शन आने के बाद बी जॉइंट को कंसिडर किया जा सकता है हालांकि सेम ही टाइप का फिर सिचुएशन हो गया बी जॉइंट को कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये है एक मेंबर फोर्स विच इज एफ ऑफ बी डी फिर हमारे पास में ये है एक मेंबर फोर्स विच इज एफ ऑफ बी सी और ये हमारे पास में है रिएक्शन विच इज 1.5 ठीक है टन के बजाय 1.5 भी लिख रहा हूं ठीक है ना सो नाउ आई कैन अप्लाई

क्योंकि ILD का भी क्वेश्चन आसानी से बनता है है ना? ILD अगर तो second, है? ना? के आ गए तो ठीक और ये करा दूंगा मैं, आज और कल कराऊंगा डिफ्लेक्शन तो नहीं आता डिफ्लेक्शन नहीं पूछेगा बट आई एल डी एंड आर्चिस कराऊंगा जो आता है यस बिल्कुल जो आता है जो किया जा सकता है जो कर सकते हो इससे बेसिस पे जरूर कराऊंगा जो नहीं करना चाहिए वो बता दूंगा नहीं करना चाहिए ठीक है, so, here, summation of fx जब करूंगा, तो क्या होगा of fx equal to zero करेंगे क्या हो जाएगा देखो एफ ऑफ बी सी इधर लग रहा है और एफ ऑफ बी डी का कुछ तो है नहीं x direction में, सी विल बिकम एफ ऑफ बी सी विल बिकम ये माइनस में आएगा और पहले से ये माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा ये ये माइनस है ना पहले से और cos थर्टी है cos थर्टी इज 3 2, so 3 3 क्योंकि 3 पहले से होगा ठीक है? है तो, मैं बोलता हूं, बड़ा नहीं है. है, तो जा, एक स्टेप तो आगे बढ़ाना जल्दी से ये पिछले वाले में इसमें क्या है डिफरेंस पिछले वाले में सिमेट्रिक लोडिंग नहीं होने की वजह से रिएक्शंस निकालने में भी टाइम देना पड़ेगा फिर जाके ये काम करना होगा इस वाले में क्या बेनिफिट हुआ अगर प्रैक्टिस है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए तो ये किया जा सकता है इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग है तो रिएक्शंस ऑटोमेटिकली हम आधा आधा कर देंगे और फिर उसके बाद कोई एक ज्वाइंट लेके हम इसको एनालाइज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वन यू सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रूलर इज प्रोवाइडेड एट एट

ऐसा नहीं है अगर डायरेक्ट जैसे मैंने अभी पिछला वाले मिला और किसी एक ज्वाइंट से डायरेक्टली अगर सवाल बन रहा है क्योंकि एक जॉइंट पे आपके दो इक्वेशन आने वाले हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे थर्टी और सिक्सटी डिग्री के अलावा ज्यादा कुछ देता नहीं है थर्टी सिक्सटी एंड फोर्टी फाइव डिग्री जनरली वैल्यूज आपको नोन होते हैं दूसरी दूसरा बेनिफिट देखिए क्या है मैं सब कुछ देख के तब बात करता हूँ so, uh, दो, दो तीन बार आया हुआ है ऐसा सवाल में क्या एक बेनिफिट है कि अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर रखा है आप यूज टू है देन यू कैन गो फॉर इट क्योंकि इसमें जब भी देता है ना ये वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके नहीं देता है तो ये भी आपका टाइम बचता है एक बार में देख के गलती होने के सिर्फ ये चांसेस है कि आप माइनस प्लस में गलती अगर कर दिया आपने तो टेंशन और कॉम्प्रेशन में एक बार के लिए मिस्टेक हो सकता है वो एक छोटा सा माइनर मिस्टेक होने का है है ठीक स्ट्रक्चर से देखिए जनरली कम आता है सवाल लेकिन इन जनरल क्या है जो भी सवाल आता है आसान वाला वो बहुत ही आसान होता है उसको किया जा सकता है जैसे जीरो मेंबर फोर्सेस ट्रस्ट में या फिर कोई जैसे अभी मैंने बताया ना मेथड ऑफ सेक्शन करके कि किसी एक ज्वाइंट से आप निकाल रहे तो उस तरह का सवाल तो जो आसान है या इंडिटर्मिनेसी वाला सवाल या आईएलडी से रिलेटेड जो आसान आएगा वो इस तरह का जो सवाल आएगा वो बिल्कुल बना लेना चाहिए या फिर टू इन चार्ज का सवाल क्यों टू इन चार्ज का सवाल लोड के साथ साथ जो भी हॉन्डल थ्रस्ट है वो आपको याद करके जाना है दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड वैसे भी वो इंडिटर्मिनेंट है ठीक है तो कुछ चीज है बहुत प्रोमिनेंट है कि आपको याद रख के जाना है और वो आता है वैसे सवाल को जरूर कर सकते हैं

द फोर्सेस इन बी सी ऑफ द ट्रस्ट शोन इन फिगर बिलो ये सवाल बार बार हर एक मेंबर का पूछता है वो कभी ए बी का पूछता है कभी कभी बी सी सी का का पूछता है, कभी का पूछता है 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 डी मतलब ये 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 उसका फेवरेट है. है तो अनस्टेबल ये कम ये कम से इधर दो मेंबर चाहिए होगा इस टाइप का लेकिन क्या है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है जस्ट वी विल गो फॉर इट और ये क्या पूछ रहे हैं देखो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये जब अनस्टेबल उसने नहीं दिया तो हम क्यों उसकी चिंता करें

और उधर भी ढाई ठीक है ना और ये वाला जो चार है इसको कैसे सोचना है चार इंटू वन ये एक मोमेंट क्रिएट करेगा चार का सुन रहे फोर इंटू वन चार का एक मोमेंट क्रिएट करेगा वो भी, वो भी भी क्लॉकवाइज तो ये दोनों बेचारा लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा कैसे एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉक के लिए इसको ऊपर और इसको नीचे होना होगा और क्या मैंने बताया था नेट मोमेंट डिवाइडेड बाई द बीम

बीसी ठीक है अब ना ये आगे यूज करूंगा मैं भूल गया था ये आगे यूज करूंगा उसने आगे बी एफ के लिए भी मांगा हुआ है मुझे लगा बी एफ में मांग रहा खैर बीसी तो और आसान है एक जॉइंट पर तीन फोर्सेस हो और वो भी उनमें से दो फोर्सेस एक लाइन में हो तो क्या बोला मैंने तीसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये तो जीरो फोर्स होगा। कहीं तो बीएफ भी, भी मांगा बीएफ मांगा तब मैं फिर से लूंगा हाँ बी ज्वाइंट तब ये समझ में आ जाएगा अभी यही देखोगे तो हो जाएगा। देखो अगर मैं ये ज्वाइंट लिया हूँ जीरो होना चाहिए ना और ये आया कैसे है ये हटा देते हैं अगर मान लेते हैं ये हटा दू मैं अपना रूल भी हटा दू मैं तो वैसे भी समझ में आ रहा होगा तो क्या होगा एफ ऑफ बी सी मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मुझे लिखना पड़ेगा ना, F BC 0 और कुछ है नहीं ओरिंडल में और इसके लिए क्या लिखना होगा समेशन ऑफ एफ ऑफ इक्वल टू जीरो जब लिखूंगा तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ

तो क्या हो जाएगा माइनस में साढ़े चार हो जाएगा और क्या होगा ठीक है यहां का आंसर तो नन ऑफ दीज हो गया इसको याद रखना आगे आएगा ये उस समय एक्सप्लेन नहीं करता मैं सॉरी आगे यही तो है ठीक है नेक्स्ट फिर इसको बैक चले जाएंगे तुरंत कर लेते इसको यही है ना सेम सवाल ये जो मैंने अभी बताया फोर पॉइंट फाइव का और फिर बाद में in tension, प्लस में आया था ना या माइनस में आया था एक मिनट रुको माइनस में आया था याद है सो बी इन कॉम्प्रेशन सॉरी इट इन कॉम्प्रेशन देख हो ये कितना इसके लिए फेवरेट क्वेश्चन है और एक दो बार इसको बनाओगे ना तो आराम से सारे मेंबर का समझ में आएगा वो क्या करना चाह रहा है पूछना चाह रहा है ठीक है अब ये रिएक्शंस भी याद रख लेना है फिलहाल के लिए अगर ऐसा हो तो लेकिन अगर लोडिंग चेंज करेगा देन यू अप्लाई माय मेथड टू कैलकुलेट द रिएक्शन जैसे मैंने रिएक्शन कैलकुलेट किया सर मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट एक बार और बता दीजिए ठीक है मोमेंट वाला अभी के लिए गलत क्वेश्चन दे रहे हैं आप <laughs> गलत क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं गलत क्वेश्चन क्यों दूंगा मैं क्या चीज गलत लग रहा है देखो मोमेंट के लिए क्या है ये लोड जो है ना वर्टिकल वाला इसके लिए पहले वर्टिकल रिएक्शन मैंने क्या किया निकाल दिया ठीक है एक बार और बता रहा हूं देखना इसको एक बार और देख लो रिएक्शन पहले मैंने सिमेट्रिक था तो आज इसके लोड के वर्टिकल की वजह से ये मैंने दे दिया रिएक्शन उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है इस तरह के लिए सवाल के लिए अगर हॉरिजेंटल वाला लोड लग रहा है ना एक काम करना है ये वाला हाइट इनटू दिस फोर्स तो ए पॉइंट के अबाउट ये जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है या इस स्ट्रक्चर में जो इस बीम में मैं बात करूं जो नेट मोमेंट आ रहा है इस फोर की वजह से फोर इन वन तो नेट मोमेंट कितना आ रहा है नेट मोमेंट यू आर गेटिंग नेट मोमेंट नेट मोमेंट ये आ रहा है चार का ठीक है और नेट मोमेंट के लिए जो रिएक्शन जनरेट होगा दो डंडी खींच लेना है दो डंडी खींचने के बाद क्या करना है दो डंडी का ये देखना है ये नेट मोमेंट अगर हमारा एंटी क्लॉक है तो ये दोनों मिलके क्लॉक वाइज सॉरी ये क्लॉक वाइज है तो ये दोनों मिलके एंटी क्लॉक बनाएगा तो एंटी क्लॉक के लिए ये यहां होगा ये यहां होगा देखो तभी जाके ये दोनों मिलके ऐसा एंटी क्लॉक घूमेगा देख रहे हो ये क्लॉक घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों रिएक्शन मिलके अब घुमा लेगा एंटी क्लॉक और कितना होगा रिएक्शन का वैल्यू द नेट मोमेंट बाय लेंथ ऑफ द स्पैन तो नेट मोमेंट बाय लेंथ ऑफ द स्पैन कितना होगा नेट मोमेंट कितना है चार तो ये होगा चार बटा दो अगर मैंने 1 एक, एक लिया है तो ये 1 है तो है ना ये भी 4 बटा 2 तो, तो ये हो गए 2 2 2 4 4.5 हो गए दैट्स ऑल 4.5 ऐसे करके सॉल्व कर ले रहे ठीक है एफ बी इक्वल टू जीरो है तो ज्वाइंट इक्विबरियम इक्वेशन बनाए मार्वल क्या कहा, कहां कहां गड़बड़ी लग रही है बताओ एक सवाल पीछे रह गया उसको भी कर लेते हैं हाँ ये वाला इफ द ट्रस्ट शोन बिलो द फोर्स इन द मेंबर डीसी इज डीसी में आपको मेंबर फोर्स निकालना है डीसी ये पिछली बार बीसी पूछा अब डी -सी पूछा यानी अगली बार बी -डी पूछ सकता है बी -डी, बी डी भी पूछा हुआ है शायद ऐसा कुछ पूछेगा बी डी भी। बी -डी पूछेगा तो क्या करेगा अभी तो बीसी वाला साफ साफ पता है एक ज्वाइंट पर दो ही फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक पर दो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे दे विल बिकम जीरो। सिंपल। दे विल विल बिकम बिकम जीरो जीरो अच्छा ये तो जीरो होगा ही आगे भी इसको सोच ले ये तो हमारा सी जीरो हो गया सी डी मांग रहा है ना वो तो जीरो हो गया ज्वाइंट बी को ले लेते हैं ज्वाइंट बी पर कितने फोर्सेस अभी जो लग रहे हैं ज्वाइंट बी पर जो फोर्स जीरो हो गया, उसको नहीं करते हैं जो जीरो नहीं हुआ एक तो हमारा applied load लग रहा है ये जीरो हो गया, तो हटा देते हैं BC. दूसरा हमारा अभी मेंबर फोर्स एफ ए बी है जिसके बारे में अभी हमने कुछ कहा नहीं है और तीसरा हमारा एक मेंबर फोर्स है दैट इज एफ बी डी ठीक है ना अब फिर से ये ज्वाइंट है और इस ज्वाइंट पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं

में है ठीक है ठीक है ना hmm. कम बनाओ लेकिन इससे आसान आसान से उलझा सवाल नहीं आता है ठीक है तो ऐसा करके जाओ कि इससे रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ा बहुत अगर उसमें ट्विस्ट होता है चेंज होता है तो कर भी पाओ ऐसा काम करके क्या फायदा कि ढेर सारा कुछ कर लिया उधर जाके कुछ उससे फायदा ही नहीं उठा पाया <laughs> all doubt all clear today okay sumit now simple truss consist ye to fir se same ho gaya which of the following statement is true ye bol raha hai simple truss consist entirely of triangle Trangle, triangle triangle milta hai bahut bahut sahi hai uska simple truss triangle hai दो simple truss को join करेंगे तो compound है और बाकी उसके बाद complex है जहां कि हमारा bracing वाला भी part आ जाता है diagonal members. ठीक है ना It it can consist of any other shape, determined, in, sorry, in, uh, shaped in, in intermediate parts as long as long is stable. आगे अगर ये नहीं लिखता एज लॉन्ग एज इट इज स्टेबल तो ये लाइन वो नहीं लिख सकता था देखो कैसे मैं बोल रहा हूं कि एक मान लो ये स्क्वायर शेप में मेरा ट्रस है ऑब्वियसली ये हमारा स्टेबल नहीं है ये स्टेबल नहीं है ठीक है लेकिन अब मैं इसको स्टेबल बनाने में लगता हूं विदाउट विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ट्राइंगल मैं ट्राइंगल नहीं कंस्ट्रक्ट करूंगा ये क्या है गिर जाएगा ना इधर इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा ये मान लीजिए इधर फिर ये इधर ऐसा चला गया ये इधर चला गया ऐसा कुछ हो जाएगा मान लेते डिफिलिटेशन पर मैं बोल रहा हूँ फिलहाल जबर मैं जबरदस्ती इसको स्टेबल बनाऊंगा विदाउट चेंजिंग द शेप मैं पर लगा लगा दूंगा दूंगा एक यार यहां लगा दूंगा एक फिर आई कैन मेक दिस नो अब ये ट्रस है सारे पिन ज्वाइंट है सारे पिन ज्वाइंट्स है पर क्या है मैंने इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देखा अब ये ट्राइंगल तो नहीं रहा स्क्वायर है पर स्टेबल है तो चाहे तो आदमी स्टेबल बना के स्टेबल बना के बोल सकता है ना कि ट्रायंगल कोई ट्रायंगल सिंपलेस्ट है जनरली स्टेबल रहता है बेसिकली स्टेबल ही रहता है। है, है? ट्रायंगल के स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का कोई गारंटी नहीं ठीक है, है? वाले पार्ट में किसी अनदर शेप की कोई गारंटी नहीं है, है फुलफिल की जा सकती है

ठीक है मेरे टेस्ट में मतलब आ रहे हैं आप प्लीज बताएं कट ऑफ कितना जाए। ये सब टेंशन मतलब कट कट किया हुआ है जितना ज्यादा कट ऑफ और ये सब सोचोगे उतना ज्यादा परेशान हो ठीक है मेरा एक ही रिक्वेस्ट है जो भी स्टूडेंट्स हैं लास्ट स्टेज में जाके ना बहुत ज्यादा इधर उधर मत करो बहुत स्टेबल तरीके से रहो क्योंकि जितना भी मेहनत किया है सब पानी हो जाएगा लास्ट में क्या है बहुत ज्यादा वो एंजाइटी हो जाता है ना एग्जाम नजदीक है वैसे एंजाइटी में अगर बहुत ज्यादा इधर उधर करोगे तो जितना भी तुमने एक्वायर नॉलेज कर रखा है वो सब भी भूल जाओगे इसलिए ज्यादा मत करो परेशान मत हो ज्यादा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी हियर इन द ट्रस्ट शोन बिलो द फोर्सेस इन द मेंबर बी डी देखो बीडी में पूछ लिया ना ये मैंने अभी तुरंत निकाल के बताया बी डी में बीडी में तुरंत निकाला ना ये वाला

कंपोनेंट ही नहीं आएगा तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जब जीरो करेंगे ना तो 100 प्लस एफ ऑफ बी डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एफ ऑफ बी डी विल बिकम माइनस ऑफ 100 अगर माइनस ऑफ 100 हो गया माइनस की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे द मेंबर इज अंडर कंप्रेशन विद 100 सो so 100 टी कंप्रेसिव ठीक है 100 टी कंप्रेसिव इन अ गिवन ट्रस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो मेंबर फोर्स देखो जीरो मेंबर फोर्स ऐसा वाला भी पूछा है एक जॉइंट पर दो फोर्सेस नहीं चलेगा बस खेल खत्म कर दो और क्या इसमें एक तो यहां हो गया एक जॉइंट पर दो मेंबर फोर्स नहीं चलेगा जीरो हो गया भाई फिर क्या हो गया जब ये होने के बाद हम यहां पर देखे तो CD और ED दिखा क्या फटाक से देखे हम नहीं दिखा फिर गए बोले इससे काम नहीं बना आगे जाना होगा ना फिर आगे जाते हैं तो हम ई e ज्वाइंट पर गए ई e ज्वाइंट पर अब ये डी e जा चुका है अपनी जिंदगी में ठीक है डी इज नाउ जीरो मेंबर फोर्स नाउ ई ज्वाइंट इफ यू कंस्ट्रक्ट ई ज्वाइंट में क्या हो रहा है एक तो अप्लाइड फोर्स है एक ये मेंबर फोर्स है एफ ऑफ ई एफ ये अप्लाइड फोर्स है पांच का और ये वाला है हमारा एफ ऑफ ई आई एफ ऑफ ई आई यही तीन है ना एक तो जो था हमारा एफ ऑफ ई डी वो चला गया ठीक है अब ये तीनों में फिर क्या हुआ तीन फोर्सेस एक जगह पर दो एक लाइन में है तो तीसरा तीसरा गया काम से और अवेलेबल है 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 ऑप्शन में ठीक बहुत आसान जीरो में फोर्स अगर आया ना छोड़ना नहीं है बिल्कुल ठीक है मेथड ऑफ सेक्शन से भी अगर वो सारे पार्ट जो मैंने बताया वो उस तरह का था वो भी नहीं छोड़ना है सो so, आज के लिए इतना ही बाकी हम कल करते हैं डू नॉट फॉरगेट टू मिस दिस सेशन और कुछ पार्ट का कैसे उसको handle करना है बनाना है नहीं बनाना है क्योंकि सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये ऐसे बनेगा ये ऐसे बनेगा मैं ये बताऊंगा इसको बनाना भी है कि नहीं बनाना एग्जाम के टाइम पे एग्जाम नजदीक है इसको देखना है तो कि, कितना देखना है कैसे देखना है ठीक है ये सब बातों के साथ ही मैं बताऊंगा ओके टेक केयर ऑल ऑफ यू गुड नाइट गुड नाइट and those who wants to, you know, join our telegram channel can go to this particular URL or maybe you can take this uh, QR code. through that QR code you will be able to join the channel or वहां जाके जो सवाल पूछना है या फिर कुछ अपडेट्स है वो भी चेक कर सकते हो आप. thank you and good night everyone.